जावेद के ऊपर कोई केस किया है? यस। क्या है पूरा मामला? जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, पिछले 2 महीने से उर्फी जावेद का सब्जेक्ट, लोग मुझे बार बार मैसेज करते हैं, मेल करते हैं, कमेंट्स करते हैं कि उर्फी जावेद का क्या हुआ। उर्फी जावेद का ये हुआ, फाइनली आई हैव रजिस्टर अ केस एंड ऑनरेबल बेंड्रा मेट्रोपॉलिटन कोर्ट अंडर सेक्शन 499-294-500-501 विच इज कम्स अंडर डिफेमेशन। दिस इज अ सिविल मैटर वेयर शी इज एग्जीबिशन टू पे 2 CR एज अ अच्छा डिफेमेशन, क्योंकि इस बंदी ने जो जुर्रत की है, इसने मुझे एक नोटिस का जवाब दिया था, मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। इस नोटिस का जवाब मैंने रिप्लाई में नहीं दिया, वेयर शी हैज रिटन कि मुझे इस्लामोफोबिया है। मैं आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक बात पूछना चाहूंगी, ये आप पढ़ सकते हैं, सेक्सिज्म, होमोफोबिया, इस्लामोफोबिया, सिग्नोफोबिया, क्लासिज्म, क्या ये कंपेरिजन है इस्लाम को कंपेयर करने का? मैंने इस नोटिस का जवाब ना देते हुए हमने इसका एक एफिडेविट रेडी करके बांद्रा मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में इसकी कॉपी सबमिट की है। वेयर देयर इज नो IPC सेक्शन मेंशन इन दिस एंटायर नोटिस। जिस लड़की ने सिर्फ पैसों के अलावा बात नहीं की, इस लड़की ने एक और एक चीज़ भेजी है, मार्क किया है मैंने, प्लीज़ पढ़िए। उसको ऐसा लगता है कि मैंने उसकी बदनामी की, उसकी इज्जत उछाली उसके कपड़ों के बारे में बात करके, और वो मुझ पे क्लेम करती है 10 CR। उसको ये भी पता है कि 10 CR में 0 कितने आते हैं। स्कूल गई है मिस उर्फी जावेद। वेल, मैंने उसको जहाँ तक स्कैन किया था उसके हिसाब का काम मैंने किया। कुछ नहीं कहूँगी अपने बारे में, बस इतना कहूँगी आई एम परफेक्शनिस्ट। तो जिस तरीके से जिस इंसान को जिस चीज़ की तकलीफ सबसे ज़्यादा पहुँचती है, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, क्रिमिनल सेक्शन तो लग जाएंगे, पहले पैसे की बात हो जाए। जो तुमने किया है वो करतूत तुम भुगतो। अभी मैंने हाल ही में उसका कुछ देखा उर्फी जावेद का, शी इज़ राइटिंग अप कि मुझे मुंबई में घर नहीं मिल रहा। मैं आज समाज को मीडिया के माध्यम से एक बात शेयर करना चाहूँगी, हम समाज में अगर रहना चाहते हैं तो हमें समाज के नियमों का पालन करना पड़ता है। हम अपने नियम ला के समाज पे थोप नहीं सकते हैं। आप देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं कि आपके मन में आया आज रात को 12 बजे के बाद 1000 और 500 के नोट बंद हो जाएंगे। अभी जावेद आप इतनी बनी नहीं हो, और आपने अपनी इस घटिया से नोटिस में एक और एक बात को मेंशन किया, विच यू नीड टू प्रूव इन द कोर्ट, वेयर यू हैव मेंशन मी अ गैंगस्टर, और साथ में तुमने ये लिखा है कि मैं मेरी गैंग के साथ रोड्स पर, स्ट्रीट्स पर, क्लब्स में, हाउस पार्टीज में हॉकी स्टिक्स, गन्स को लेकर दादागिरी करने के लिए मैं सबके सामने आती हूँ। तो आई वॉन्ट मिस उर्फी जावेद टू प्रूव दिस। इसकी कॉपी आप लोग ले लीजिएगा, इस कचरा की कॉपी ले लीजिएगा आप। उसके लॉयर ने एक चीज़ परफेक्ट की है कि मैं उसको कहीं पर क्लेम ना कर पाऊँ। उसने शुरू ही किया है माई क्लाइंट स्टेट दिस, ये उर्फी जावेद ने नया लॉ पढ़ा है तो माई क्लाइंट स्टेट दिस से उन्होंने शुरू किया। इन द कनेक्शन ऑफ माई क्लाइंट विशेज टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द फॉलोइंग फैक्ट, तो ये लगता है उर्फी जावेद को दिस इज अ फैक्ट, दिस इज कॉल्ड द डस्टबिन ऑफ फैक्ट। इस्लामोफोबिया बोलने वाली लड़की, मुझे ऐसा लगता है कि इस्लाम में तो खैर इसके लिए कोई जगह नहीं है। मैंने किसी अपने एक बड़े भाई से पूछा था कि भाई व्हाट शुड बी माय सेकंड स्टेप, हिज नेम इज़ खालिद मामू, मुंबई का एक बहुत जाना माना चेहरा है। तो उन्होंने कहा सिस्टर यू नो व्हाट शुड यू डू, इस लड़की को पहले आप जो तकलीफ पहुँचेगी वो तकलीफ पहले पहुँचाओ, इसके ऊपर आप डिफेमेशन फाइल करो, सेकेंड उसके बाद में IPC की सेक्शन तो फाइल होने ही है। ऐसा नहीं कि कोई कोई क्राइम कर लेगा और बच जाएगा, आप इतना कुछ बुरा बोलोगे उसका रिवर्ट मिलेगा। फिर मैंने देखा कि भाजपा की नेता चित्रा वाघ ने इसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल की, तो किसी को तो लगा कि मैंने सही आवाज़ उठाई, द थिंग्स हैज बीन फॉलोड बिहाइंड इट। ठीक है, इसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, एक लड़की जिसको कमाने के लिए जो बेहतर तरीका लगता है उसने वो अपनाया। हम समाज में काम करने वाले, समाज के सोशल वर्कर, हम समाज के ठेकेदार नहीं कहते खुद को, हम समाज के सेवक हैं। हमारा काम है समाज की गंदगी साफ करना, जो गंदे काम हो रहे हैं उनको रोकना। मैंने तो मैं गिनती नहीं बता सकती हूँ कि मैंने कितने बार डांसर्स को, प्रोस्टिट्यूशन का काम करने वाली औरतों को उस फील्ड से निकाल के अच्छी फील्ड में डाला है, उनको कमाना सिखाया है, दैट्स माई प्रोविजन ऑफ वर्क। और अगर कोई लड़की मुझे गून बोलती है या गैंगस्टर बोलती है तो शी नीड्स टू प्रूव दैट। वेल गाइस, अब उर्फी के खिलाफ लीगल प्रोसीजन में आगे क्या होगा? जैसा आप लोग जानते होंगे नवंबर से हमने ये जंग शुरू की थी,
मुझे कल बांद्रा पुलिस स्टेशन से कॉल आया था कि मैम आपने फर्स्ट एप्लीकेशन कौन सी डेट पे किया था, तो देर आर एन नंबर्स ऑफ एप्लीकेशन फाइल्ड अगेंस्ट हर दैट शी इज डूइंग सो एनर्जेटिक वर्क. वो मतलब रोड पे जिस तरीके से उतरना, इट इज़ एक्चुअली वुमेन मॉडेस्टी जो वो नेशनल लेवल पे सोशल मीडिया पे कर रही है, तो शी इज एप्लीकेबल ऑफ क्राइम. शी इज एक्चुअली शोइंग न्यूडिटी. उसके बाद में जब उसने गालियों से नवाजा, चीज़ों को गलत तरीके से बताया, देन अगेन शी हैज़ डन वुमेन मॉडेस्टी ऑन द इंडिविजुअल पर्सन व्हिच इज़ रिमार्केबल. दैट पर्सन इज मी एंड फॉर यू मिस उर्फी जावेद द वर्ल्ड इज नॉट इनफ. आई हैव जस्ट स्टार्टेड. पिक्चर अभी बाकी है. येस ऑफ कोर्स प्राइवेट केस के लिए मैं नहीं प्रोसीड करूँगी. आई बिलीव इन जुडिशियल, आई बिलीव इन IPC सेक्शंस. तो अगर पुलिस स्टेशन में जिन ऑफिसर्स को ड्यूटी दी गई है कि एवरी इंडिविजुअल एप्लीकेशन के ऊपर एक ऑफिसर अपॉइंट होता है, ऑफिसर का काम होता है FIR करना, वो उसका काम है, वो करेगा. मैंने RTI फाइल किया है कि उन्होंने उस एप्लीकेशन पर क्या कार्रवाई की है, वो जवाब दे दे मुझे या वो लिखित में दे दे. हमने साइबर क्राइम को भी कंप्लेंट दी है. अब जहाँ तक मैं कुछ अच्छे लोगों के बारे में बताऊँ तो उर्फी जावेद का ट्विटर अकाउंट भी शायद बैंड हुआ है. क्यों? क्योंकि चीज़ें जो न्यूडिटी कहीं दिखती है विच इज़ अगेंस्ट टू द एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इट कैन बी इट एक्चुअली कॉल्ड अ सॉफ्ट न्यूडिटी. जो वो पॉर्न दिखा रही है दैट्स एक्चुअली कॉल्ड सॉफ्ट न्यूडिटी. वेयरिंग नथिंग ऑन बॉडी, चांदी का वर्क जैसी चीज़ इस्तेमाल करना. कल किसी ने मुझे कुछ भेजा विच इज़ ओनली हॉर्न्स. एंड यू नो उसने मुझे एक लाइन कैप्शनाइज करके भेजी है जहाँ पर उसने ये बताया है. अब मैं ऐसी चीज़ों को बताऊँगी तो वो कहती है कि मैं अभी तक मुस्लिम्स को प्रोवोक कर रही थी कि वो उसके ऊपर ध्यान दें. इन्होंने बताया है प्रोड्यूस खजूरा द सन ऑफ टेम्पल पूरी, और ये फोटो जहाँ पे देवी देवताओं ने कुछ नहीं पहना हुआ है. इन्होंने खुद को इससे मेंशन करते होता है. पता नहीं वो लड़की के मन में क्या है, व्हाट शी इज एक्चुअली ट्राइंग टू प्रूव हरसेल्फ. लेट द कोर्ट डिसाइड. आई लीव इट ऑन कोर्ट. बांद्रा कोर्ट से ये आश्वासन, देखिए जब कोई गलत कुछ करता है तो उसका परिणाम उसको भी झेलना पड़ता है. और मुझे कोर्ट पर भरोसा है, अभी तो केस शुरू हुआ है और मुझे थोड़ी सी एक बुरी आदत है जीतने की थोड़ी सी बुरी सी आदत है, तो बाकी ऊपर वाला है साथ. वेल गाइस मैं आगे बढ़ती हूँ. आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने उर्फी जावेद के लिए नहीं रखा था. लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट. ओके लेट मी प्रोसीड विथ माई वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. अभी ये दूसरा, अभी आपने हाई प्रोफाइल मर्डर केस का खुलासा करने वाले क्या कहना चाहेंगे? देखिए मेरे साथ में इस तरफ बैठी हैं रुकैया. रुकैया की 15 साल की बच्ची, उसकी मौत हुई है. रुकैया बताएंगे आपकी बेटी की मौत कैसे हुई है. आपको आज मैंने मीडिया के सामने बिठाया है, आप लोगों ने अनशन किया, मतलब क्या आपने प्रोटेस्ट किया था अग्निपाड़ा पुलिस स्टेशन के बाहर. आपकी बेटी की मौत पर कोई FIR नहीं की गई, तो क्या हुआ वहाँ पर? FIR करने के लिए वो लोग नहीं सुना ली, नहीं करे. हमारे बच्चे के साथ अन्याय हुए, हमारे बच्चे का इंसाफ नहीं मिल रहा, हमारे बच्चे के साथ बहुत गलत हुए. क्यों मैं दर दर की ठोकरें खा रही हूँ अपने बच्चे के इंसाफ के लिए, मगर हमारे बच्चे को इंसाफ नहीं मिल रहा. हमारे बच्चे से कौन ऐसी गलती कि हमारे बच्चे को रात में 2 बजे रात में मर्डर करके नीचे डाल दे 3 माले पर. कितने माले से फेंका है उसको? 15 माले से 3 माले पर लाके रख दिए. सुबह होकर पुलिस चौकी वाले को बुला के उसके हवाले मेरे बच्चे की बॉडी को उसके हवाले कर दिए और ले जाके नहर में रख दिए. नहर में कितने दिन थी बॉडी? नहर में 6 दिन भर के नहर में मेरे बच्चे की बॉडी पड़ी हुई थी. आपने मैयत नहीं उठाई थी क्योंकि FIR नहीं कर रहे थे? FIR नहीं कर रहे थे, हमारे को बच्चे का इंसाफ नहीं मिल रहा था. तो हम फिर क्या बोला आपको पुलिस वालों ने? उसने बोले कि जब तक PDM रिपोर्ट नहीं आएंगे तब तक मैं कुछ नहीं कर सकती. ओके ओके गाइस नाउ लिसन. मैम ये मामला कहाँ का है, कौन सी बिल्डिंग का है? मैं बताती हूँ, ये मामला है अग्निपाड़ा पुलिस स्टेशन की जुरिक्शन का. पुलिस ने कोई FIR नहीं की. ये है वो लड़की जिसकी मौत हुई है, महज 15 साल की एक बच्ची जो एक सैफ मोजा वाला करके फैमिली के घर में काम करती थी. इस लड़की का मर्डर नहीं हुआ है. अगर पुलिस मुझे लिख के दे देती है मैं अनशन पे नहीं बैठूंगी. ये रही लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो कि RTI मारने के बाद हमारे हाथ में आई है. क्या आप पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है क
कर्डी वाइड सेक्रेशन सीन एट वर्जिनल ओरिफाइस पर्जिंग प्रेजेंट. एक 15 साल की नाबालिग लड़की की बॉडी पे समन्स पाए गए, ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कहती है. पुलिस ने FIR नहीं किया. ये बिहार को बिलोंग करते हैं, ये लोग लेबर लोग हैं, घर के कपड़े बर्तन धो के ये लोग अपना गुजर बसर करते हैं. इनके जितने कम्युनिटी के लोग थे वो लोग वहाँ पे एकत्र हुए और लोगों ने पुलिस स्टेशन के बाद धरना दिया कि केस लीजिए. हमारे काबिल ऑफिसर्स ने क्या किया आगरीपाड़ा जुरिक्शन के, उन्होंने पीड़ित के रिश्तेदारों को उठा के 353 का झूठा FIR बना के पीड़ित की फैमिली को डाल दिया अंदर. कोई 15 दिन अंदर रहा, कोई महीना अंदर रहा, कोई 1.5 महीना अंदर रहा. क्यों इंसाफ का गला घोटा जाता है? जब कोई पावरफुल इन्फ्लुएंसर सामने आता है जिसके पास पैसा है तो गरीब हमेशा पिसा जाता है. ये रहा मैं इस 15 साल की बच्ची के लिए आवाज़ उठाते हुए. मैंने स्टेट के CM, डेप्यूटी CM, हमारी पार्टी के लीडर श्री शरद पवार, उनसे भी निवेदन किया है कि मेरे कौम की एक लड़की मर गई है. मैं माइनॉरिटी को बिलोंग करती हूँ. हम मुसलमानों को हमारे देश में हर चीज़ के लिए बड़ा लड़ना पड़ता है. मैंने लिखित में दिया एज ए पॉलिटिशियन उन्हें कि प्लीज़ सर लुक एट दिस मैटर, वी नीड सपोर्ट. इस बच्ची के हक में FIR करा पाऊँ, बट विच इज़ नॉट हैपनिंग. इसलिए मैं मेरा अगला स्टेप बताऊँगी मैं क्या करूँगी. कहीं ना कहीं ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो स्लोगन हमारे प्रधानमंत्री देते हैं, तो क्या लगता है ये सिर्फ एक कौम की बात नहीं है, ये तो बेटी देश की बेटी है, ऐसा नहीं हिंदू मुस्लिम कोई नहीं है, तो इस पे आपको क्या कहना है? सर ऐसा है, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ ये नारा अच्छा लगता है सुनने में, प्रैक्टिकल करके देखो और प्रैक्टिकल करके दिखाओ. बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है. एक 15 साल की बच्ची की बॉडी पे सिमन क्यों? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, जब पोस्टमार्टम हुआ लड़की की मौत हुई, लड़की का एक सेकेंड आपने बोला उसके चेहरे पे फाइट मारा हुआ था. हाँ, आपको लग रहा उसके चेहरे पर फेर लगा हुआ, हमारे बच्चे का चेहरा मुंह इधर घुमा हुआ था, पूरी दांत बाहर थी. बिल्डिंग की बात करें तो कौन सी बिल्डिंग थे? क्लासिक टावर आगरीपाड़ा. और बड़ा 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 हाई प्रोफाइल केस है. मैंने सुना करोड़ों रुपए बांटे गए इस केस से बचने के लिए. अब तुम लोग बच के रहना के सामने मैं हूँ और बड़ी ही नॉन करप्ट हूँ. अब देखते हैं, या तो तुम्हारे में इतनी ताकत है एक 15 साल की बच्ची का आप विकेट गिरा सकते हो तो ट्राई फॉर मी. ओपन चैलेंज कर रहे हैं मैं मोजा वाला फैमिलीज को. वो हाई प्रोफाइल फैमिली, वो हाई प्रोफाइल नूर मोहम्मदी होटल के लोग, उन लोगों का कॉपरेशन क्रिमिनल्स की तरफ, क्योंकि वो फैमिली मेम्बर्स है. 15 साल की बच्ची की लाश पड़ी रही. मैं मेरे दूसरे केस की तरफ मुड़ती हूँ. यहाँ पे एक और पीड़ित परिवार बैठा है. मैंने कहा था आज का 2 मर्डर केस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. सुहान की नॉर्मल पिक्चर लाए आप, बताइए. ये सुहान 18 साल का एक बच्चा. कैन यू सी दिस पिक्चर प्रॉपरली? आप इस हैंडसम से बच्चे को देखिए, 18 साल का बच्चा ये. आपका नाम क्या है बेटा? फरहान. आप सुहान के छोटे भाई हैं. जब इनका मर्डर हुआ आप साथ में थे? कहाँ हुआ आपका भाई के साथ में इंसिडेंट? जोर से उधर देख के बोल. पंपापुर में. पंपापुर किधर है? बांद्रा ईस्ट. ओके. ये लड़के को नेक्स्ट डे बॉडी जब मिली है, दिस इज द सिचुएशन ऑफ बॉडी. कैन यू सी दिस? ये वही हैंडसम सा बच्चा है 18 साल का. मैं इस केस में थोड़ी सी रोशनी डालती हूँ. इस केस का एप्लीकेशन मैंने फाइल किया. ये पीड़ित के फादर है. मैं आप लोगों को फोटोज दूंगी, आप ऐसे साथ में देख सकते हैं. आप जब अपने भाई के साथ थे वहाँ पर एक्चुअल में क्या हुआ, शॉर्ट में बताओ और फटाफट बताओ. हम लोग नहाने गए थे तो वहाँ से 3 जना, एक ने डंडा उठाया था और एक पत्थर उठाया था. पिंक शर्ट पहना था पत्थर वाला. तो पत्थर कितना बड़ा होगा बेटा? पत्थर इतना बड़ा था. तो हम लोग ना भाग गए, मेरा भाई उधर ही खड़े रहा. तो उन्होंने एकदम तेज इसको पत्थर फेंक के मारा इधर पे, तो पानी में गिर गया. हम लोग डर के मारे घर पे बताए नहीं. फिर वो पानी से बाहर निकला? नहीं निकला. आप लोग समझ रहे हैं बात को? 4 बच्चे 5 बच्चे थे आप लोग. हाँ. 5 बच्चे नहा रहे थे, चारों बच्चे माइनर. एक ही लड़का जो 18 साल का था वो ये बच्चा सुहान. वो एक्चुअली बांद्रा ईस्ट का पट्टा दोगे, वेस्ट से ईस्ट जाने का पट्टा. तो आपको दिखेगा कि कितने ज़्यादा मीडिया, आउटडोर मीडिया देखिए आप, उनके सिक्योरिटी गार्ड्स वहाँ पे घूमते हैं. उनके सिक्योरिटी गार्ड्स ने इन बच्चों को बैनर्स के नीचे नहाते हुए देखा. उन्होंने आवाज़ दी, एक बच्चा रुक गया बाकी भाग गए. उसने पत्थर दे के उसके मुँह पे मारा, वो बच्चा समुंदर में गिरा, वो नहीं बाहर आया.
वो बच्चे की बॉडी अगले दिन माहिम रेती बंदर को मिली है। ये हैंडसम सा लड़का, इसकी हालत ये दिख रहा है आपको। क्यों ये मैटर मेरे लिए इम्पोर्टेंट है मैं आप जाहिर करती हूँ। सलमान भाई बताइए आपका नाम। मेरा नाम है सलमान सिंह। ये आपका बेटा है? ये मेरा बेटा है। क्या हुआ आप जब पुलिस में बोलने लगे कि आपकी बेटी की मौत ऐसी हुई है, उसको मारा गया, तो पुलिस ने आपको क्या बोला? पुलिस ने बोली तुम्हारा लड़का और जो बच्चे थे वो बयान दिए डूब गया। बोला सर वो लोग बच्चे हैं, डर गए थे, वो डर के मारे ऐसा बोले। बराबर। और बाकी इसका मर्डर हुआ है जी, तो पुलिस बोलती है तुम अपने आप से कैसा बोल रहे हो, इसका मर्डर हाँ। नहीं हुआ, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आएगा फिर हम आगे कार्रवाई करेंगे। ओके। तो मैं बोला कुछ इसका कंप्लेंट वगैरह करके दो। बोले कंप्लेंट नहीं होएगा, वहाँ तो हजारों बच्चे वहाँ नहाते रहते हैं, ऐसा हादसा होता रहता है, मरते रहते हैं, पुलिस वालों के बच्चे नहीं मरते है ना। तो मैं बोला ऐसे हादसों में पुलिस वालों के बच्चे नहीं मरते है ना। आपका जब एप्लीकेशन मैंने फाइल किया, आपकी मेरी एक दिन बात हुई थी, आप गए थे रेलवे पुलिस स्टेशन, क्या बोला आपको पुलिस वाले ने? रेलवे में गया तो बोले कौन है? नहीं नहीं नहीं, आपको क्या बोला, आपको क्या बोला? मेरे को बोले, मैं बोला सर मेरे को पोस्टमार्टम का रिपोर्ट दो। तो बोले काहे का पोस्टमार्टम का रिपोर्ट, अभी आया नहीं है। फिर बाद में बोलते हैं देखो ये आया है, इसमें लिखा हुआ है नॉर्मल है, इसमें कोई मारा नहीं गया है, और तुम लोग घड़ी घड़ी, और ये क्या है, तुम बांद्रा वेस्ट में सबनम शेख के पास जा रहे हो, ये घड़ी घड़ी अगर जाओगे तो तुम्हारे ऊपर मैं केस करके तुमको ही अंदर डालूंगा। सुन रहे हैं आप मीडिया के लोग, मेरे को उसको कुछ भी नहीं हुआ है, वो डूब के मरा है, तुम लोग खाली अफवाह फैला रहे हो, तुम्हारा लड़का झूठ बोल रहा है। मैं बोला सर वो सच बोल रहा है, वो डर गया हुआ था और उसके साथ तीन बच्चे हैं, वो भी डरे हुए थे, लेकिन जब भी बॉडी मिला पोस्टमार्टम हुआ, बॉडी आके मतलब मट्टी वट्टी दिया गया, उसके बाद में इन लोग ने बताया कि मारा गया हुआ है। तो फिर वापस मैं माहिम चौकी में गया वहाँ लिखवाने के लिए, तो उन लोग भी मेरे को भगा रहे, बोले झूठ बोल रहे हो तुम लोग, मारा नहीं गया है। तीन पुलिस स्टेशन, माहिम पुलिस स्टेशन, शाहूनगर पुलिस स्टेशन, थर्ड बांद्रा रेलवे पुलिस स्टेशन, तीन पुलिस स्टेशन में इनका स्टेटमेंट हुआ। ये लड़का आई विटनेस है, इसने अपने भाई को मारने वाले इंसान को देखा है। आप सभी लोग मुंबई में रहते हैं, मैं बात करती हूँ आज के ज़माने की, आज की जनरेशन की। हमारे प्रिय मोदी जी ने देश को डिजिटल कर दिया, किसी को भी ढूंढ के निकालना मेरे ख्याल से पुलिस के बाएं हाथों का खेल होता है। तो एक लड़के की मौत हो जाती है, आरोपी को निकालना कितना मुश्किल काम था। जितने भी मीडियाज के, आउटडोर मीडिया के बैनर्स लगे हुए, होर्डिंग्स लगे हुए, उनके सारे कर्मचारियों को सामने लाया जाए, इस बच्चे से शिनाख्त कराया जाए, पता चल जाएगा कि किसने मर्डर किया है। ये दोनों मर्डर केस में मुझे मुंबई पुलिस से कार्रवाई चाहिए। अगर आप कार्रवाई नहीं कर सकते हैं आगरीपाड़ा पुलिस स्टेशन और बांद्रा रेलवे पुलिस स्टेशन, आप कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, मुझे लिखित में दे दीजिए, मुझे जो करना है वो मैं ज़रूर करूँगी। और इन दोनों बच्चों के हक के लिए किस हद तक लड़ना है उस हद तक मैं ज़रूर लड़ूंगी। फ्रेंड्स, आज मैं ग्लोबल वर्ल्ड में एक इनविटेशन देना चाहती हूँ। इफ़ यू गाइज हैव गुड प्रोजेक्ट्स, वी हैव फाइनेंसेस। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, देश के नहीं, दुनिया के कोने कोने से, वी हैव इन्वेस्टर्स, वी हैव प्रोजेक्ट्स। इफ़ यू गाइज हैव एनी ऑथेंटिक प्रोजेक्ट, NFL इज एसोसिएट विद मी। आई हैव डन अ ब्यूटिफुल कोलाब्रेशन विद NFL एंड यू कैन सी NFL ऑन स्क्रीन। प्लीज प्रिया, गो अहेड। प्रिया, A bit of introduction has already been given by our main person here with the shop. Very nice lady, and I'm really happy to have her on my team. Thank you so much. I'm the corporate director for MENA region, which is Middle East and after the African zone. We provide finance to technical project, depending on certain passing criteria, then definitely we either go into as a loan or we finance the project as a equity partner. Currently, we have a very good investment team on with. We have tied up with MediSwiss. If you guys Google in, you will know that MediSwiss is one of the biggest. Sheer pleasure, you know, part knowledge of what we are doing in our capacity.
So from NFL, we are right there to support you in whatever project you have, big or small. So we do the due diligence and we see that in what capacity can we fund as an investor. Thank you so much. In India, in different regions of the country, and as my colleague Priya was just telling you about EBSwift, so we have just entered into the forex marketing. Forex, everybody understands that forex include of the foreign currency, commodity, and crypto. So we are getting all those things, and we have got white labeling done from EBSwift. EBSwift is one of the biggest companies of Europe. Precisely from Switzerland, who are the pioneers of this industry, and they have chosen NFL to give the white labeling of it. So NFL markets, you know, it's an independent platform where one can go and trade on it. Apart from that, we are also the venture capitalists where, you know, we try and shortlist these startups and we try to fund them. Pre-seed round, middle seed round, final round. So we do all that. Yes, provided after the due diligence and the compliance is being met with. Also, NFL Investments now is a very, very big name. I mean, for many years that we have spent in Dubai. So it's a well-known name and people will rely on us and our credibility speaks for itself. Thank you, Shabnam, for putting in place and, you know, any question from media side, I'm ready to take it up. Any question by media? Okay, thank you, brothers, and thank you very much, sweetheart. Okay, let me be little louder because as it was a video call and on call, it is little difficult to make you guys understand. We have financiers, we have investors from across the world. Now, me, Shabnam Sheikh, getting India, investments, the finance, the projects, we actually really looking out for. The global world is really open for the businessmen who are really into finance. मैं अपनी तरफ से एक इनविटेशन देना चाहूँगी हर उस शख्स को जिनके पास इन्वेस्टमेंट्स हैं या जिनके पास प्रोजेक्ट्स हैं टॉक बिजनेस बिकॉज समबडी आस्क्ड मी कि मैडम उर्फिका क्या कम ऑन यार मेरे पास दुनिया भर के काम है आई हैव नथिंग टू डू दैट और मैंने सिर्फ उर्फिका केस फाइल किया ऐसा कुछ नहीं था तो मसाला अपनी तरफ है काम अपनी तरफ है वो लड़की मेरे लिए सिर्फ एक वेस्ट थी बस सुधर जाए कोशिश यही है जब हम बिजनेस की बात करें तो वी हैव अवर ओन ऑथेंटिकेशन इसी के साथ मैं अपना आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म करने से पहले एक छोटी सी चीज़ मैं दिखाना चाहती हूँ एज यू गाइज ऑलवेज फाउंड मी हैव लॉट ऑफ कार्स सो आई हैव लॉन्च अ स्मॉल वेरी स्मॉल कंपनी विच इज़ कॉल्ड शबनम्स ऑटोमोबाइल्स कार स्टॉक एक्सचेंज इज जस्ट बिसाइड बाबा हॉस्पिटल बांद्रा एंड दैट्स एक्चुअली ओन्स बाई मी एंड माई adopted son Noor Muhammad Noor and Noor is basically expert into the cars hum cars buying and selling ka polishing and coating we have started this company and we want all the associate to support us well wish us and really pray for us thank you very much नया वाला लॉन्च होने वाला है ओह थैंक यू ये तो वो